रूस की राजधानी मॉस्को में कुम्सो मोल्स्काया स्क्वायर के पास बने एक दो मंजिला गोदाम में धमाका हुआ है। इसके बाद करीब 27,000 स्क्वायर मीटर इलाके में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग काफी भयानक थी। 80 दमकलमियों ने आग के बुझाने की कोशिश की। इसके बाद सेना के 3 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, ना ही ट्रेनों के संचालन में कोई दिक्कतें आई हैं।